मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इंद्र जाधव फ्रॉम स्कॉलर डॉट एकेडमी। आज हम 9th स्टैंडर्ड का जो आपका फर्स्ट पोयम है फॉर जीएसई ग्रुप बोर्ड, जो आपकी फर्स्ट पोयम है 9th स्टैंडर्ड की आराधना, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। आराधना करना यानी आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि आराधना यानी प्रार्थना करना, ईश्वर से श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक सच्चे दिल से कुछ मांगना। उसमें हमारी इच्छा भी हो सकती है, दूसरों का भला करने की भी इच्छा हो सकती है, और दूसरों के लिए हम अच्छा सोच विचार करें, हमें पॉजिटिव और हमारी अंदर जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव रहे, ये भी हो सकता है। यानी प्रार्थना में हम सिर्फ अच्छी बात ही मांगते हैं, राइट? हम कभी भी ऐसा नहीं मांगते भगवान के पास कि इसका बुरा हो जाए, इसका ये हो जाए, ये फेल हो जाए, या तो इसका वो हो जाए, राइट? तो हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते। आराधना करते ईश्वर की श्रद्धा से और भक्ति से हम उनकी प्रार्थना करते हैं कि सब मेरा भी भला हो और सबका भला हो। तो इसके जो कवि है आराधना काव्य के कवि जो है वसंत बापड़ जो थे वो महाराष्ट्र के सतारा जिले के रहने वाले थे, वो बेसिकली मराठी थे, तो उन्होंने ये पोयम भी मराठी में ही लिखा था, लेकिन उनका अनुवाद यानी कि उनका ट्रांसलेटर जो मराठी का था वो ट्रांसलेटर हमें ट्रांसलेशन करके हमें यहाँ पर पोयम पढ़ने के लिए दिया है। ये जो पूरी जो पोयम है उसमें वसंत बापड़ की इच्छा है कि कवि की ये इच्छा है कि हम हमेशा हमारे दिमाग में हमारे मन में अंतःकरण से हृदय से हम किसी का भला कर सके, हम किसी के बारे में अच्छा सोच विचार कर सके। अगर हमारे से किसी का भला हो जाता है तो हम वो करें, हम अगर हम ऐसा करेंगे तो ये मानवता जो है उसका नाम होगा, यानी मानवता के पर किसी का विश्वास नहीं उठेगा। यानी वसंत बापड़ कहते हैं कि हमारा जो मन है वो भी शुद्ध रहे और दूसरों के काम में आए हम, और सच्चाई के रास्ते पर चले, और हम जितना भी हो सके दूसरों की मदद कर सके, दूसरों के काम में आए। वसंत बापड़ की यानी कि कवि की यही इच्छा है, और पूरे पोयम में भी कवि ने यही इच्छा व्यक्त की है। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि इससे हमारे मानवता के बीच मनुष्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा, शांति भाईचारा रहेगा, मित्रता बंधुता रहेगी, और एक अच्छे विश्व की स्थापना हो पाएगी, राइट? जहाँ पर शांति होती है, कोई जाति पाति के भेदभाव नहीं होते, वहां पर उसकी तारीफ बाकी लोग भी करते हैं। अगर कोई छोटा सा गांव है और वहां पे भी अगर कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है तो पूरे विश्व में उसकी नोंद उसकी एक ध्यान में आ जाता है सबके कि इस गांव में, गुजरात के इस गांव में जहाँ पे जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, यानी कि सबके आंखों में वो गांव रहता है और सब तारीफ भी करते हैं। तो इसीलिए कवि चाहते हैं कि हमारे इससे शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ेगी, तभी ये मानवता जो है वो रहेगी, मानवता जिंदा रहेगी और पूरे विश्व में शांति स्थापित हो पाएगी। कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं रहेगा, कहीं कोई किसी के साथ कोई दुश्मन नहीं रहेगा, सब भाईचारे से और दूसरे को भाई मानेंगे और भाईचारा रहेगा। तो आज हम वही पोयम देखेंगे और उसमें जो कठिन वर्ड्स है वो हम देखेंगे जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, बाकी के कुछ जो इजी वर्ड्स थे वो मैंने नहीं लिखे हैं। आइए देखते हैं। प्रार्थना यानी निवेदन करना ये भी होता है, और ईश्वर से सच्चे दिल से और श्रद्धा से मांगना वो भी होता है। वेदना यानी कष्ट दुख व्यथा। संवेदना यानी सहानुभूति, किसी के प्रति किसी का दुख अगर हम अनुभव कर सके तो उसको सहानुभूति हम दे सकते हैं। अगर किसी के दुख हम फीलिंग ही नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, तो हम उसके दुख को नहीं समझ पाएंगे। साधना यानी भक्ति करना, उपासना करना भगवान की। अभ्यर्थना यानी विनती करना, अनुरोध करना। अस्त यानी अंत, ओझल नष्ट कर देना। और अंतःकरण यानी हृदय से, अंतर मन से, मन मस्तिष्क से। पौरुष यानी शक्ति और साहस। शौर्य यानी बहादुरी।
यहाँ पर भी साहस भी हो सकता है, मीनिंग बंधुता यानी भाईचारे की भावना, भाई भाई बना रहे और किसी के पास किसी के साथ बैर भाव ना रहे, उसकी बात कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि पूरी पोयम में कवि क्या कहना चाहते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर, चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देखो अभी जो फर्स्ट टू लाइंस में ऐसा कहना चाहते हैं कि देह मंदिर चित्त मंदिर, यानी कि हमारा शरीर भी मंदिर के समान है और हमारा मन भी एक पवित्र होना चाहिए, ताकि मन और मस्तिष्क यानी तन और मन से हमेशा ऐसी प्रार्थना किया करो जहाँ पे, और मन और मस्तिष्क में एक ही प्रार्थना रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मन कुछ और चाहता है, तन कुछ और चाहता है, नहीं, दिल से और अंतकरण से हमें यही प्रार्थना आराधना करनी चाहिए, भगवान से यही मांगना चाहिए कि भगवान हमें अच्छे विचार आए और हम सबके बारे में अच्छा सोचे और सच्चाई के मार्ग पर चलने की हिम्मत मिले और हम सच्चाई के मार्ग पर ही आगे बढ़े। कभी भी हम झूठ का सहारा ना ले, चाहे कोई भी कंडीशन हो, और एक दूसरे का हित यानी भला चाहे हम। कभी भी हमारे मन में किसी के बारे में बुरे विचार ना आए, या तो हमारे से किसी का बुरा ना हो और सुंदर विचार आए, और शिव और सुंदर की कामना हो, मंगल भावना हो हमारे मन में। शिव यानी मंगल का, मंगल करना, किसी का भला करना, किसी का शुभ करना, और सत्य यानी सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना। तो हमारे मन मस्तिष्क के यही आराधना हो, यही प्रार्थना हो, प्रभु हम आपके पास यही मांगे कि हमारा मन शुद्ध रहे, हम किसी के बारे में अच्छा सोचें और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। नेक्स्ट टू लाइन्स है, नेक्स्ट थ्री लाइन्स हम साथ में लेते हैं। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणा पौरुष की साधना। कभी कहना चाहते हैं कि हम किसी का दुख समझ सके, अगर कोई दुखी है तो हम उसके पास बैठेंगे, उसका दुख वो शेयर करेगा, तभी तो हम उसके दुख को जान पाएंगे। क्योंकि दुनिया के कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वो दुख में से निकलने का रास्ता उनको नहीं सूझता। अगर उस टाइम आप अगर उसके साथ हो, आप उसके साथ बात करो तो उसका दुख आप जान सको, और कुछ सॉल्यूशन अगर आपके पास हो तो आप उसको दे सको, ताकि आपको एक अच्छा मौका मिले कि किसी का दुख दूर करने में आप काम आए। कभी कहते हैं कि दुखियारों का अगर दुख दूर करने का मौका मिले, बस यही मेरी मनोकामना है प्रभु आपसे, मेरी मन की यही इच्छा है, काम है इच्छा, मेरी मन की यही इच्छा है कि दुखियारों का दुख दूर हो, इस काम में मैं आऊं और वेदना को परख पाने, यानी उनका जो कष्ट है, उनका दुख जो है, उनकी अनुभूति मुझे हो। और ये तो बात है ही कि अगर हम किसी का दुख समझ सके तभी तो हम उसकी उनकी जो पीड़ा है उसको समझ सके, उसका अनुभव कर सके, तभी तो हम उसका दुख दूर कर पाएंगे। या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके लिए वो दुख हो लेकिन वो अगर हमें बताए तो हमें उसकी फीलिंग नहीं होती कि ये तो कुछ होता है, लेकिन नहीं, वो दुख है, वो फीलिंग आपको होनी चाहिए। अगर वो फील नहीं कर पाओगे और आप पत्थर दिल रहोगे तो आप उसका दुख मदद नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपका मित्र हो, या आपके नजदीक रिलेटिव हो, या आपकी बहन हो, भाई हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप में फीलिंग नहीं है या तो आप पत्थर दिल हो तो आप नहीं कर पाओगे उसकी मदद। इसीलिए कभी कहते हैं कि उसकी पीड़ा को समझ सकूं, इतनी शक्ति देना मुझे, उसकी जो पीड़ा है, कष्ट है, वेदना है, उसको मैं समझ सकूं, ऐसी अनुभूति मुझे देना, ऐसी फीलिंग मुझे देना, ताकि मैं उसको कुछ काम आऊं, उसके दुख दूर करने का उसको मदद करूं। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, यानी आजकल आप देखते होंगे कि लोगों के पास अगर शक्ति है तो उसका दुर्व्यवहार करते हैं, या तो किसी और काम में उनका उपयोग करते हैं, यानी कि उनके पास जो बल है, जो ताकत है, उनका वो दुरुपयोग करते हैं, कि जहां पर उनको उपयोग करना चाहिए वहां पर नहीं करते।
लेकिन जहाँ पर उसकी जरूरत ही नहीं है, मारा मारी में, गुंडागर्दी में, या तो चोरी लूट फांड में, ऐसे में वो लोग अपना जो सारा दिमाग है वो यूज करते हैं, अपने पास जो ताकत है वो यूज करते हैं। लेकिन कभी कहना चाहते हैं कि दुर्बल यानी कि जिसके पास जो ताकतवर नहीं है, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी उसको मदद करने के लिए हमारी जो ताकत है, हमारी जो मर्दानगी है वो काम में आए। यानी कि कभी कहना चाहते हैं कि जहां पर ये इस ताकत का अच्छा उपयोग हो उसी जगह पर मैं करूँ, इतनी बुद्धि मुझे देना। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। जीवन में नव तेज हो यानी कि नई चमक हो, एक नए नए आशा की किरण हमें दिखे, नई नई आशा दिखे, यानी कि तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम भूतकाल में ही रहेंगे या तो भूतकाल में हमारे साथ ये हो गया वो हो गया और उसको ही हम याद करते रहेंगे तो हम हमारा आगे फ्यूचर, अच्छा ब्राइट फ्यूचर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि मेरे जीवन में नई चमक आए, नया तेज आए, नई चमक आए, नई शक्ति आए, ताकि मैं और अच्छा एक जीवन जी सकूं। बस हृदय में यही भावना है मेरे हृदय में कि नई चमक आ दो। सुंदरता की आस हो यानी कि मेरी आंखें जो है वो सुंदर देख सके, अच्छा देख सके, अच्छा सोच विचार कर सके, और ऐसे बस ऐसे ही सब में, सब मानव में मानव मनुष्यता ही देखूं और मनुष्यता का ही प्रचार प्रसार करूं, ऐसी उपासना है यानी कि ऐसी मेरी प्रार्थना है कि हर जगह मुझे सुंदर दिखे और हर जगह मुझे अच्छी दिखे और मानवता का जितना भी प्रसार प्रसार हो सके उतना मानवता का फैलावा हो। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना, यानी मुझे बहादुरी मिले, ताकत मिले, शौर्य मिले और धीरज मिले। धीरज का भी, धीरज होना, पेशेंस होना वो भी जरूरी है। सिर्फ ताकत होगी और अगर धीरज नहीं होगा तो काम बिगड़ भी सकता है। इसलिए धीरज का भी होना जरूरी है, ताकत का भी होना जरूरी है। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरी प्रार्थना ये भी है कि मुझे ताकत दो और उसके साथ साथ मुझे धैर्य दो, ताकि जीवन में आए कठिन परिस्थितियों का मैं सामना कर सकूं एक पेशन के साथ, एक धीरज के साथ, एक ताकत के साथ। क्योंकि अगर ताकत ही होगी और जहाँ पे हमें धीरज रखनी है और वहां पे भी मैंने ताकत का उपयोग किया तो काम बिगड़ भी सकता है। इसीलिए कभी चाहते हैं कि मुझे ताकत भी दो और धीरज भी दो। भेद सभी अस्त हो गए, लास्ट अभी थ्री लाइन से वो, भेद सभी अस्त हो गए, वैर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। भेद सभी अस्त हो गए यानी कि जो भेदभाव है जाति पाति के, धर्म के, रंग के, कि ये गोरा है, ये काला है। आपने जब लॉकडाउन था तब अमेरिका यानी यूएसए में एक घटना घट चुकी थी, एक इंसान था उसने कुछ बहुत छोटी सी अमाउंट का उसने कुछ चोरी किया था, लेकिन वो काला था, इसकी वजह से पुलिस ने उसके साथ बहुत बेहरमी पूर्वक व्यवहार किया। उसके गले पर उसने कुछ पैड रख दिया था, उसने चिल्लाया फिर भी पुलिस ने, वालों ने छोड़ा नहीं उसको, और कुछ आठ मिनट के अंदर, 8 मिनट तक उसने, पुलिस ने उसके ऊपर पैर रखा था, उसको लेटा दिया था और उसके ऊपर पैर रखा था गले पर, ताकि उसकी जो गले की नस है वो दब गई, इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। तब उसके बाद बहुत सारे जो काले लोग थे उन लोगों ने बहुत धमाल मचाया था, बहुत चोरी, दुकानों के शटर तोड़ दिए थे और लूटफाट शुरू कर दी थी, एक स्ट्राइक पर उतर आए थे, यानी बहुत सारा हो गया था। तो यानी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर रंग भेद है कि ये काला है, ये गोरा है, यानी कि कभी कह चाहते हैं कि यहाँ रंग भेद ना हो, जाति भेद ना हो, जाति पाति का कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो और ये सारे भेदभाव नष्ट हो जाए यानी कि गायब हो जाए। ऐसे भेदभाव की हमें जरूरत नहीं है, भगवान ने ये भेदभाव नहीं बनाए,
लोगों ने ये भेदभाव क्रिएट किए हैं। वैर और वासना वो भी खत्म हो जाए, एक दूसरे के प्रति हमारा जो वैर है, दुश्मनी, दुश्मनावट है, एक खुन्नस होता है कि मैं उसका काम ना करूं या तो ये मेरा दुश्मन है, तो ऐसी जो वासना है, गंदी जो थिंकिंग है वो भी खत्म हो जाए और पूरे विश्व में ये जो वैर की भावना है, देश देश के बीच हो या तो मित्र मित्र के बीच हो या से तो ऐसी जो सारी जो वैर भावना है वो भी खत्म हो जाए। आप देखते होंगे कि वैर भाव की वजह से या तो दुश्मनावट की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बहुत सारा फाइनेंशियली नुकसान भी होता है अगर देश देश के बीच होता है और पड़ोसियों पड़ोसियों के बीच होता है या तो कुछ पुराने दुश्मनी याद आ जाती है तो उसमें परिवार के सभ्यों को खोने का मौका भी आ जाता है, परिवार के सभ्यों को खोना भी पड़ता है। इसलिए वैर भाव का वैर भावना को यानी कि दुश्मनावट को खत्म कर देना चाहिए ताकि किसी का मायका लाल ना, उसका मौत ना मिले या तो उसका मर्डर ना हो या तो चोरी लूटपाट ना हो या तो कोई फाइनेंशियली संकट ना आए। इसलिए जो वैर भाव है वो खत्म हो जाना चाहिए। मानव जो मानव की एकता है, जो ये अधूरा कार्य रह गया है वो हमारे इमेजिनेशन में ही है कि मानवता मानव मानव के बारे में सोचे, मनुष्य मनुष्य के बारे में सोचे, आजकल ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे भी सबको अपना स्वार्थ दिखता है वो अपना स्वार्थ पूरा करके वहां से निकल पड़ता है, यानी कि कोई किसी की मदद करने के लिए रेडी नहीं होता आजकल। मानव की एकता की यानी कि मानव के बीच जो एकता होनी चाहिए वो जो अधूरी हमारी इच्छा है वो पूरी हो, जो हमारी कल्पना में ही अभी तक लेकिन वो साकार हो, वास्तविक जगत में हकीकत में वो साकार हो कि मानव 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 के बीच एकता रहे, एक यूनिटी रहे और हम सब एक दूसरे के बारे में सोचे, किसी की टांग ना खींचे, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको हाथ पकड़ो और उसको आगे बढ़ने में मदद करो। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि वो आगे बढ़ रहा है तो हम उसके पैर खींच के उसको नीचे उतार देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसी भावना तुच्छ भावना, ऐसी निम्न कक्षा की भावना हमें नहीं होनी चाहिए। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, यानी कि हम ये सारे भेदभाव और ये सारी जो अनैतिक आचरण है, जो व्यवहार है, जो दुर्व्यवहार है, उसमें से हम मुक्त हो जाए, यानी कि ये वैर भाव, जाति पाति का भेदभाव, इससे हम मुक्त हो जाए और हम एक भाईचारे की इच्छा रखे, एक अच्छे मित्रता भाव की और सब भाई भाई, सब एक दूसरे की जाति के लोगों को भाई भाई माने और ऐसी जो हमारी इच्छा है वो पूरी हो। तो देखा आपने सारी जो लाइन थी, सारी हर एक लाइन में कवि की यही इच्छा है, एक अच्छी इच्छा, एक अच्छी मंगल कामना, एक अच्छी आशा, सबका भला हो, ऐसी भावना उनके हृदय में है और उन्होंने यही भावना को हमारे सामने रखा है। क्या आप भी चाहते हैं कि ऐसा विश्व स्थापित हो और विश्व में ऐसी शांति प्रेम और शांति प्रेम शौर्य और धीरज की भावना हो सब में और सब लोग वैर भाव भूल जाए? कौन नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत जब हम करेंगे तभी तो हो पाएगा। अगर हम दूसरे पर डिपेंड रहेंगे कि नहीं हमारे करने से क्या होगा, नहीं, पहले आप घर से शुरुआत तो करो, अपने घर से, तभी तो आगे जाके वो स्प्रेड होगा, राइट? ओके, यहाँ पर आपकी जो पोयम है वो खत्म होती है। आप एक बार वर्ड मीनिंग पढ़ लेना और क्वेश्चन आंसर ट्राई करना एक बार, ठीक है? और अगर कुछ डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।